नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम स्टोरी। मैं हूं हेमंत गुप्ता। पेश है अब तक की बड़ी खबर। देहरादून कोतवाली क्षेत्र के न्यू एम्पायर सिनेमा हॉल के पास सोमवार सुबह उस वक्त सनसनी फैल गई जब सिनेमा हॉल के बाहर एक युवक का शव खून से लथपथ मिला। पुलिस द्वारा जांच की गई तो मृतक की गोली मारकर हत्या की गई। वहीं मृतक की पहचान यतीन वर्मा के नाम से हुई, जिसकी उम्र 27 साल बताई गई। घटना की सूचना पर एसपी सिटी पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे और घटना की जानकारी ली। अब देखना होगा कि पुलिस कब तक इस हत्याकांड का खुलासा कर पाती है। ये मामला भी थोड़ी देर सूचना भी ली थी कि एक लड़के की डेड बॉडी सर पेट्रोल पंप से न्यू एम्पायर सिनेमा की तरफ अंदर को की पड़ी हुई है। तो मौके पर उच्च अधिकारी को सूचना दे दी गई है और मौके पर पहुंचकर एफएसएल टीम को बुला दिया गया। एफएसएल की टीम मौके पर पहुंची है। तो अभी तक जहां तक जानकारी में आया है, इसकी जेब से एक आधार कार्ड मिला है, जिसके आधार पर इसकी शिनाख्त हुई है यतीन वर्मा के नाम पर। यतीन वर्मा सनो बसनलाल वर्मा और बागेश्वर का रहने वाला है। ये पॉसिबिलिटीज़ हत्या ही है, क्योंकि जिस तरह से इसका खून लगा हुआ है और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि किसी ने इससे मारपीट करके इसको यहाँ पे फेंका हो। देखिए, अभी जो इनके डेड बॉडी के पास जो आईडी मिला हुआ है, इसकी शिनाख्त हुई है और उसमें यतीन वर्मा के नाम की आईडी मिली हुई है। उसके परिजनों खबर की जा रही है। साथ ही ये जो जिसमें अभी तो चूंकि एफएसएल को की टीम आ रही है, वो डेड बॉडी को पलट के देखेंगे कहाँ कहाँ चोट के निशान है। बाकी सर के दाहिनी ओर एक चोट का निशान दिखाई पड़ रहा है और शरीर खून से लथपथ है, पैर में जूते नहीं हैं। जाहिर है कि संदिग्ध अवस्था में डेड बॉडी मिली है, तो इसकी जांच कर रहे हैं। बाकी ये एक होटल है, होटल मेट्रो और एक लॉज है, कंबाइंड लॉज है, उस लॉज के नीचे डेड बॉडी पाई गई है। तो हम उसको सीसीटीवी कैमरे से तलाश कर रहे हैं, खंगाल रहे हैं कि इसमें एविडेंस मिल सके।